तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। एक यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस आर, कंप्लीट आर दिया है और मास दिया है 9 m। वो कहता है छोटा सा डिस्क r/3 का रिमूव कर दिया है कॉर्नर से। रिमूव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग डिस्क का कितना होना चाहिए, जो बच जाएगा ना उसका कितना होना चाहिए इनर्शिया, और एक्सिस होनी चाहिए परपेंडिकुलर प्लेन के डिस्क के, और बच्चों पास होना चाहिए सेंटर से। मतलब सारी की सारी पढ़ाई अपन को इस सेंटर वाले पॉइंट पे करनी है, लेट से ओ। ठीक है, इसका मास 9 m है, तो पहले इसके मास की तरफ नज़र बढ़ाते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म है, एक ही बॉडी से निकाला गया है। तो मास का फॉर्मूला होता है, जब सरफेस की बात हो रही हो, सिग्मा इंटू ए। आपको पता होता है बच्चों सिग्मा इंटू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मास किस पे डिपेंड कर, रेडियस के स्क्वायर पे। तो देखो यहाँ 9 m है और रेडियस कितना है बच्चों आर, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है आर बाय अगर 3 लिखा है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, उससे कम हो जाएगा ये भी, तो यहाँ हो जाएगा m, r/3। इसका मतलब है जो स्मॉल डिस्क है उसको जब भी पढ़ेंगे अपन इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा m, r/3, और जो बिगर डिस्क है वो हो जाएगा 9 m और ये हो जाएगा आर। इन दोनों को ना इससे लिखा जा सकता है। कम बैक टू द क्वेश्चन, हम इसकी बात करने कह रहा आई ओ पे बताना है। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग थ्योरम इस्तेमाल कर लेंगे। मैं प्रॉपरली इसको मेंशन कर रहा हूँ, पैरेलल शिफ्टिंग थ्योरम को। ये होता है इनर्शिया अपन को यहाँ पर चाहिए, तो ये हो जाएगा आई एट ओ। होगा क्या बच्चों, ये मास को तो कट करके आप निकाल रहे हो राइट, तो कंप्लीट मास मतलब इनर्शिया ओल्ड डिस्क का माइनस कर देते हैं इनर्शिया स्मॉल डिस्क का राइट। ओल्ड डिस्क का तो बच्चे लोग समझ ही जाएंगे, ये डिस्क है और किसी भी डिस्क का इनर्शिया 1/2 mr² होगा अगर परपेंडिकुलर एक्सिस से पास करेंगे राइट। तो बड़ी वाली डिस्क की बात करोगे तो 1/2 आएगा और मास की जगह लिखना होगा 9 m और ये हो जाएगा r²। बात करते हैं इसकी, ये स्मॉल डिस्क का क्या हालचाल है राइट। इस स्मॉल डिस्क के बारे में यहाँ पे नहीं रोटेट करना है, इसको बच्चों यहाँ पे शिफ्ट करा के रोटेट कराना है। तो यहाँ पे लगेगा आपका पैरेलल शिफ्टिंग का कंसेप्ट। ध्यान रखना ये मास नेगेटिव क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मास कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो मैं वो भी मेंशन कर रहा हूँ, नेगेटिव मास कंसेप्ट। क्या करते हैं जब कटवर्ट करते हैं ना, तो अपन मास की वैल्यूज को नेगेटिव में रख देते हैं। तो यहाँ है 9 m² / 2 और ये टर्म कितनी आने वाली है उस पर ध्यान दो। ये स्मॉल डिस्क को यहाँ पर पढ़ना है, जब खुद के एक्सिस पर पढ़ोगे ना बच्चों तो ये हो जाएगा हाफ m की जगह पे मास m आ जाएगा, और रेडियस का स्क्वायर वो है बच्चों r/3 का स्क्वायर, और फिर शिफ्टिंग मारी गई है तो हो जाएगा प्लस, शिफ्ट कितना किया है 2 r/3, और मास से अपने पास m, शिफ्टिंग हो जाएगी 2 r/3 का यहाँ पे आ रहा स्क्वायर। सॉल्व करना रह गया अपने को बस, ये हो जाएगा 9/2, दिस इज mr² राइट। माइनस का साइन लगा के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं काम करता हूँ mr² / 9 को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है mr² / 9, तो यहाँ बच जाएगा 1/2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो रहा है 9 9/2, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 9/2 mr² - 9 9 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 mr². 9 - 1 हो रहा है 8, और फाइनली अपना आंसर मिल जाएगा 4 mr². ये बच्चों होगा टोटल इनर्शिया एट ओ, और यही तुम लोगों का आंसर है। ठीक है, किया क्या अपन ने, पैरेलल शिफ्टिंग थ्योरम को ही अप्लाई किया है, पढ़ाई यहाँ पर करनी है यहाँ पर नहीं, पहले ये ध्यान रखें अपन। मास के टर्म्स को पहले अपन ने लिख लिया है, क्योंकि ये कंसेप्ट पता होता है सभी बच्चों को, m = σ × a, σ × πr², आर का स्क्वायर जा रहा है तो 9 m होगा तो m हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने क्या किया है स्क्वायर करके कम किया है। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर पड़ रहा है 4 mr², ऑप्शन नंबर 4 मार्क कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।